आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर आयोजित किया गया है, जिनका हमने संबोधन सुना, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्र में मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री बलबीर जी, हमारे बहुत पुराने साथी पूर्व में विधायक रहे और हिमाचल प्रदेश में फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे बीच में भाई राम कुमार जी, जिला के अध्यक्ष मनोहर जी, मंडल के अध्यक्ष हथियार जी, जिला परिषद के अध्यक्ष नीलम जी, और हमारे बीच में डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डॉक्टर शिखानंद जी भी हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत है। पार्टी के हमारे साथी राजकुमार जी, डेप्टी कमिश्नर ऊना, एसपी ऊना और यहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों और नौजवान साथी, एक बार फिर से आज ऊना में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोगों ने सभी सारे नेतृत्व का यहां पर गर्मजोशी के साथ जिस तरह से अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जिस तरह से भाई अनुराग ठाकुर जी ने अपनी बात कही कि देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है, हट करके सोचना, हट करके बोलना, हट करके करना और कुछ नया करना और कुछ बड़ा करना, ऐसा हमेशा उनका एक प्रयत्न रहता है। उन्होंने इस बात को सोचा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष बीत गए और 75 वर्ष की इस यात्रा को लोगों के सामने हमको रखना है और आज आप देख रहे हैं पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में भारत की आजादी के 75 वर्ष की एक खबर पूरे दुनिया में, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संयोग भी एक तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए गठन के 75 वर्ष पूरे, और 75 वर्ष की इस यात्रा में हमने भी बहुत सारे कार्यक्रमों का तय किया था। हमने कहा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक होने की वजह से हमने कहा सारे कार्यक्रम छोड़ करके हम सिर्फ एक कार्यक्रम करेंगे पूरे प्रदेश पर,
और हर विधानसभा क्षेत्र में उस कार्यक्रम को करेंगे। और वो कार्यक्रम हमने ये तय किया कि अगर हिमाचल अगर 75 वर्ष की इस यात्रा में यहां पहुंचा है तो उसमें हिमाचल प्रदेश के मेरे भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। हम नेता लोग मंच पर बैठते हैं, एक वक्ता खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये इन्होंने किया, हमारे नेता ने किया, हमारे नेताओं ने किया। दूसरी पार्टी आती है तो दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमारे नेताओं ने किया। स्वाभाविक तो रूप से अलग अलग समय में जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में रहा उनका भी योगदान रहा। लेकिन हमने कहा कि हम नेताओं का धन्यवाद तो मंच पर से हो जाता है, लेकिन हिमाचल को यहां पहुंचाने में जिस जनता ने काम किया है, जिन लोगों ने काम किया है, उनको धन्यवाद करने की रस्म आज तक हुई है हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मैंने तय किया मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा और पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं हिमाचल के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा, जिन लोगों की वजह से हिमाचल की यात्रा का सफर हमने जाना। अगर कांग्रेस के लोग हमसे पूछने लगते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, बड़े बड़े तंबू लग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें समझ में शायद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश में सभी जगह जा रहा हूं, 68 विधानसभा क्षेत्र में से लगभग 63 विधानसभा क्षेत्र हमने खोले, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष की इस यात्रा में एक मजदूर का धन्यवाद करने के लिए भी जयराम ठाकुर निकला, एक कर्मचारी, एक किसान, एक ब्राह्मण जिन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनका आभार करने के लिए हम निकले। चाहे एक सेना में सिपाही है उसका योगदान, एक कर्मचारी है उसका योगदान। हमने उनको कहा कि अगर आप इस अभियान में हमारे साथ में शामिल होना चाहते हैं आपका भी स्वागत है, लेकिन कहने लगे नहीं नहीं ये तो आप ही करिए। हमने कहा तो हमें करने दीजिए, हम तसल्ली से करना चाह रहे हैं, अच्छी कदर से करना चाह रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कैसे ऐसे दौर में आज भारत है जहां भारत को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निर्णय करने वाला भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, मजबूत भारत, देश के अंदर संदेश, देश के बाहर संदेश, दुनिया भर में देश देश। और ऐसा नेतृत्व जो हिमाचल को बहुत कहता है, हिमाचल के लोगों के साथ उसका संदेश होगा। अभी आपने देखा होगा बिलासपुर के लुगू के मैदान में आए और लुगू के मैदान में अपनी पुरानी जादू से ताजा किया। ये बिलासपुर की सड़कों में, बिलासपुर की गलियों में हम घूमते थे। अडवाणी जी की यात्रा जब रथ यात्रा आई थी तो आप उस यात्रा में सहभागी थे और जब हमने उनको सम्मानित करने के लिए हिमाचल की ओर से जन्म जिसको नसीना बोलते हैं, हमारे जो पहाड़ी भाषा में आपके रंग में कह बोलते हैं उसको, जो एक यंत्र होता है बजाने के लिए रणभेरी जिसको बोलते हैं, युद्ध की शुरुआत जिसको बोलते हैं, भी उसके एक संदेश जाता है, हमने उनके हाथ में दिया। लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि वो उसको उस वाद्य यंत्र का जो है वो पूरा जो है लोगों के सामने उसको उसमें जो है पूरा पूरी ताकत के साथ उसकी आवाज निकालने में सब वो लोग ने पूरी जोर से जो है उसने वहां पर सुना है।
अलग तरह का एक सारा वो दृश्य देखा कि प्रधानमंत्री जी ये भी कर सकते और उसके बाद हमारे लिए कितनी खुशी की बात है वहां से कुल्लू गए न सभा थी न कोई कार्यक्रम था भाषण देने का लेकिन कुल्लू देवभूमि कुल्लू में दशहरे में रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पहुंचे और वहां जाकर के रघुनाथ जी का आशीर्वाद दिया। सहज रूप से कोई प्रधानमंत्री सोचता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के शिमला आते हैं तो मार्ग रोड पर पैदल निकल पड़ते हैं। पुरानी यादें वहां पर ताजा करते हैं। कुल्लू पहुंचे हैं तो कुल्लू में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उस प्रकार से जो भीड़ थी वहां पर भीड़ के बीच में से जाकर के रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं है। सुरक्षा बल कहते हैं कि नहीं इजाजत नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इजाजत की बात देखकर मुझे तो जाना है, मुझे तो पूजा करनी है और जान करते हैं। जहां तक काम की बातें कहें हम आज आपके ऊना विधानसभा क्षेत्र में यहां आना हुआ है और यहां आकर के मैं देख रहा हूं 20 उद्घाटन और 6 शिलान्यास कुल मिलाकर के 26 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका यहां पर जो है हमारे सामने यहां पर लगी इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उद्घाटन और शिलान्यास जो किए गए उसमें अगर हम पैसों का जिक्र करें भाई अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि एक जमाना था पहले जब 2 करोड़ पर भी सब लोग ताली बजाते थे तो आज 200 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास आपके ताली आपकी अपने लिए होनी चाहिए जोर से होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। मुझे इस बात की खुशी है बार बार जय राम जी भाई सतपाल सिंह सत्ती जी आपकी सेवा में इस प्रकार लगे रहते हैं। मैं कभी बोलता हूं इनको शिमला आओ तो मालूम पड़ता है कि ऊना में कहीं कार्यक्रम में है व्यस्त है। हम कहते हैं कि ऊना तो इतना का छोटा सा आपका विधानसभा क्षेत्र शायद हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा क्षेत्र है। सारे विधानसभा क्षेत्र 4-5 किलोमीटर के दायरे में सीमित हो जाते लेकिन उसके बावजूद हर गली में हर घर में तक जाना लोगों की समस्याओं को सुनना उनके समाधान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना ये अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे सतपाल सिंह एक एक चीज को लेकर आपका यहां पर जो है एमसीएच के भवन का उद्घाटन 28.5 करोड़ रुपए की लागत से जो भवन बंद करके तैयार छोटा विषय नहीं बहुत मैं कह सकता हूं कि एक एक चीज को अपने हाथ में से ये होना चाहिए हर हालत में होना चाहिए। 34 करोड़ की लागत से आपका ऊना का सचिवालय मिनी सचिवालय का भवन बनना और आज उसका उद्घाटन होना मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऊना के क्षेत्र जहां सब कारण है एक एक ऑफिस का एक एक तो है छत के नीचे आपको मिलेगी बहुत बड़ी आपके लिए मदद होगी और काम करने के लिए
जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त भवन का निर्माण जो है 13 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और बाकी चीजों का मैं जिक्र कार्य को करूं, यहां बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर 11 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से आपके स्लो के उस चौक का हरोली के स्लो गांव के स्लो चौक का सौंदर्यकरण उस पर खर्च किया और यहां सर्किट हाउस में आते थे हम। सर्किट हाउस तो बहुत पुराना है लेकिन ऊना में जहां हम सर्किट हाउस में भी बैठते थे वहां पर रिफॉर्मों की कमी थी। इस बात को उन्होंने कहा कि नहीं यहां होना चाहिए और आज हमने आपके ऊना के लिए 6 करोड़ 80 लाख की लागत से सर्किट हाउस बना करके तैयार किया और उसका उद्घाटन किया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा अगर हो रहा है, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 26 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे इसके लिए मेहनत किसने की, परिश्रम किसने किए, किसने इसे सोचा, किसने इसके पीछे लग करके काम किया तो ना ये ऐसा पाल हो सकता। भाइयों बहनों जहां हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, हमारी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व बहुत जोर डाल दे रहे हैं और हमारे मित्र कुछ यहां ऊना में भी ऐसे रहते हैं वो बहुत याद करते हैं। कभी कभी हम भी उनको याद करते मालूम नहीं क्यों जल्दबाजी नहीं सब उनको भी इतने कहना चाह रहा कुछ बचा नहीं इस बात इनके नेता एक यात्रा पर निकले हैं। कौन सी यात्रा है वो? भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर। वो भारत जोड़ो के लिए जाकर के केरल में घूम रहे हैं। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल। वो केरल में पद यात्रा कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में उनकी कांग्रेस पार्टी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, पवन काजल और हर्ष महाजन। रविंद्र मिंटू से पूछा पत्रकारों ने थे कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनमें उन्होंने कहा एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि अब कांग्रेस वो पार्टी बन चुकी है ना उसमें प्रदेश का किसी का भला वो कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है, ना समाज का भला कर सकती है। तो ऐसे में जिस पार्टी का भविष्य समाप्त उस पार्टी में रहते थे करेगी। बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम रखा, महंगाई पर सारे देश के लोगों को बुलाया गया और राहुल गांधी ने भाषण देने के लिए खड़े और भाषण देते देते बोले कि आटा जो है 40 रुपए लीटर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी नेतृत्व है जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग कल्पना करते हैं, जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। और इसलिए कांग्रेस के नेता उन्हें कहा कि गलत है, वक्त पर ही चलना चाहते और इसलिए पूरे देश भर का आप देख रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद है वो भी आजाद हो गए, एक नहीं अनेक लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अभी मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, अभी सुरेश चंदेल जी भी जो आपके सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं,
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिलासपुर आए तो उन्हें हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक एक चीज जो हिमाचल के लिए उन्होंने दी उन्होंने किया बहुत सारी चीजों का दी है। भाई अनुराग ठाकुर जी ने यहां पर कहा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई सैटेलाइट पीजीआई का यहां घूमना कर सकते रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने के बाद फोर लेन को आगे बढ़ाने के बाद एयरपोर्ट बनाने की बातें बल्कि फार्मा का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ऊना वालों को मिला है भाई उसके लिए तो जोरदार तालियां आपको जाएंगे। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं पूछ रहे हैं कि एक बल्कि बल क्या है होता क्या है ये है कैसे पर क्या पता है क्या है जैसे किसके होते हैं जब ये कोविड का दौर आया तो मालूम पड़ा जितनी भी हमारी दवाइयां बनती हैं उसमें से 95% जो है रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। भले ही दवाई भारत में बनती है लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो चाइना से और चाइना में उस तरह के हालात पैदा हो गए तो उस वक्त वो मटेरियल कीमत में कई गुना ज्यादा महंगा हो गया और कुछ जगह मिलना था ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के सोचा कि हम चाइना पर कब तक निर्भर रहेंगे आत्मनिर्भर भारत की अगर बात कहते तो हमको स्वाभाविक रूप से इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा क्या भारत 135 करोड़ का भारत अपने पांव पर खड़ा हो नहीं सकता क्या हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर पैदा नहीं कर सकते और उन्होंने अधिकारियों के साथ इस सारे विषय को लेकर के चर्चा की नेतृत्व के साथ चर्चा की और तय किया कि हम भारत के अंदर 3 वर्ल्ड पार्क बनाएंगे और जिसमें हमको चाइना पर निर्भर ना रहना पड़े ऐसी स्थिति हम अपने भारत के अंदर पैदा करेंगे जो भी मटेरियल दवाई के लिए चाहिए वो भारत के अंदर ही हमको उपलब्ध हो इस बात को हम 3 वर्ल्ड पार्क मिले और उसमें पहले नंबर पर हिमाचल अगर बल्कि पार्क का पार्क मिला अगर वो पार्क मिला भी है कहां मिला ऊना जिले के अंदर जिले में जिसमें 1,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे लिए मदद करेंगे और उसके बाद आने वाले समय में जब ये बल्कि फार्मा का पार्क हमारा पूरा भर करके होगा तैयार होगा 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार यहां पर मिलेगा और लगभग 50,000 करोड़ के लगभग जब पूरा बन जाएगा आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊना की और पूरे हिमाचल की तस्वीर किस प्रकार से लेकिन केवल विभिन्न बात सुनने को मिलती है पहले तो कहते थे ये होगा नहीं ये होगा ही नहीं जब हो गया तो कहा कि ये सपना तो हमने देखा इसके लिए औपचारिकता है हमने पूरी की। आप कल्पना करिए इस बल पर फार्मा पार्क को रोकने के लिए लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे और हाईकोर्ट के इस बात को लेकर के तर्क दिया गया कि वहां भालू रहते हैं वो भालू का क्या होगा वो कहां गए हमने कहा जितने भी है उनको एक भालू को हम सुरक्षित रखेंगे जहां में रखना होगा लेकिन बल्कि फार्मा का पार्क ऊना में ही बनेगा और इतनी बड़ी सौगात अगर हमको मिली है ऊना जिले के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी इसलिए मैं आप सबके बीच में से यही कहना चाह रहा बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ किया है कोविड होने के बावजूद किया है इस विधानसभा क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश हमेशा हमारे कांग्रेस के लोगों के एक बात को लेकर के कहना होता कि मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं शिलान्यास कर रहे हैं काम कर रहे अगर उद्घाटन और शिलान्यास के काम
हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, हमने करेंगे क्या? तो उनको ध्यान रखना, उनको नहीं करते क्योंकि तुम आओ, बिल्कुल मारो। जिस काम का आधारशिला अगर हमने रखी है, बजट उसके लिए हमने दिया है, उसके बना करके उसको हमने तैयार किया है, तो उद्घाटन भी हम करेंगे। और जिस स्कीम को हमने शुरू करने के लिए बजट प्रावधान किया है, उसका काम भी शुरू हम करेंगे। इस बात को उनको समझना। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना दूर कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने गरीब आदमी के लिए काम करने की कोशिश, हमारी महिलाओं की बहनों की संख्या हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, और इसलिए हमने तय किया कि महिलाएं आजकल घर का काम नहीं, घर के बाहर के काम करने के लिए निकलती है, छोटी दुकान चलाती हैं, अपना कारोबार करती हैं, कुछ नौकरी पर जाती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाती हैं। इसलिए उनके आने जाने का जो काम बहुत अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आधा किराया हमने माफ किया, आधा किराया हमने महिलाओं के लिए कहा कि आधा किराया। कई लोग कांग्रेस से लोग टिप्पणी करने लगे, आधा किराया आपने माफ कर दिया, आपने खुद खोल बढ़ा दिया। और मैंने कहा कि मुझे इस शब्द पर कड़ी आपत्ति है, महिलाओं को, हमारी माता बहनों को अगर मुख्य खोल शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसका भुगतान भी आपको आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में करना पड़ेगा। हम हिमाचल में बिजली पैदा करते हैं, हमने 125 यूनिट बिजली का हिमाचल प्रदेश के लिए जीरो बिल के साथ उसका प्रावधान किया। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सबका बिल आया होगा, लेकिन कितना? जीरो बिल। जिसका कारोबार है, उसका काम धंधा है, बिजली से चलने वाला तो बात अलग हो सकती है, अन्यथा सबका जीरो बिल। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर काम कर सकते, लेकिन मुझे तो एक चीज को लेकर के आप सबके बीच में कहनी है। तो हम हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि रिवाज की बात, रिवाज पूरे देश में बदल गया भाई, अब हमने इस रिवाज को हिमाचल प्रदेश में भी बदलना है। और मैंने बिलासपुर में भी इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि उनके आशीर्वाद से पूरे देश भर में रिवाज बदला है। जहां भाजपा की सरकारें नहीं होती थी, वहां भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें बन करके चलते थे, 5 वर्ष के बाद फिर से सरकार नहीं बनती थी, वहां फिर भाजपा की सरकार है 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में आ गई। चाहे उत्तराखंड की बात है, जब से उत्तराखंड बना है तब से वहां पर एक ही चीज होती, हर 5 वर्ष के बाद बदल जाती है। लेकिन अब की बार आपने देखा कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर भाजपा की सरकार उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से हर 5 वर्ष पर सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बात योगी जी के फिर योगी की आ गई। मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार। हमारा पड़ोस का राज्य तो हमारे साथ लगता है, हरियाणा में 2014 के बाद 2019 तक भाजपा की सरकार, 19 में फिर चुनाव होते हैं, फिर भाजपा की सरकार। और गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भाजपा। जब पूरे देश भर में इस तरह का दौर चला है, तो हिमाचल में भी इस दौर को बढ़ाना है। इस बात को लेकर इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि अब की बात तो हमने बात कही है कि ये जो रिवाज हिमाचल में भी बना है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बात इस रिवाज को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। और भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां भाई सतपाल सत्ती जी ने कुछ स्कूलों का जिक्र किया है, और यहां पर मुझे लगता है कि स्कूलों की जरूरत हो, गुना में तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मिडिल स्कूल जल ग्राम है, उसको हाई स्कूल करने की बात कहते हैं। मिडिल स्कूल बटोली है, उसको भी हाई स्कूल करने की बात कही है। प्राइमरी स्कूल जो है वो सिंगी है, लाल सिंगी है, तो उसको भी कहा कि उसको अपग्रेड करना चाहिए, मिडिल स्कूल बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ में
नानसिंगी वन टू दोनों के लिए हमने जिक्र किया है और उसके साथ एक पीएससी का भी जिक्र किया हुआ हमने और वो पीएससी ग्राम पंचायत नंग्राम में वहां पर बनाने की बात कही है। मैं इन सारी चीजों को लेकर के एक जगह में साइंस की क्लासेस कहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठार कराने में और उसके बाद कॉमर्स की क्लासेस यहां पर छरकगढ़ वहां पर भी उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर के नॉर्म के मुताबिक सारी चीजें मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए, ठीक होंगी और ठीक होती हैं तो हम इन सारी चीजों को स्वीकार करते हैं और मैं कोशिश करूंगा क्योंकि समय आपको नाम आधार संहिता के बहुत करीब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा उससे पहले इन सारी चीजों को पूरा करूँ ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मुझे आप सबसे एक बात जब ऊना से भाजपा के विधायक हिमाचल की विधानसभा पिछली बार तो हो गया सो हो गया लेकिन अब की बात हर हालत में ऊना से विधायक भाजपा का हिमाचल की विधानसभा चाहिए। भाई सतपाल सिंह सत्ती ने बहुत काम किए हैं, बहुत चिंता की है, बहुत मदद की है आपकी और वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं आश्वस्त होकर के विश्वस्त होकर के जा रहा हूं कि आपकी बात हिमाचल प्रदेश सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी फिर से तो उसमें ऊना से आपका भाजपा का विधायक हिमाचल प्रदेश सरकार में होंगे। इतना ही मुझे आपसे बात करने का है और आपके साथ